अमरपुर मुख्य द्वार रक्षक सावधान, कोई बाहरी भेदिया यहाँ प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। ये द्वार अचानक बंद क्यों हो रहा है? इससे तो हमारी कठिनाई और बढ़ जाएगी। मयूर जी का स्वर? मैंने अभी मयूर जी का स्वर सुना, अर्थात भैया कार्तिकेय भी यहाँ पहुँच चुके हैं, इसीलिए अब चिंता का कोई कारण नहीं। ये दिव्य प्रकाश गणेश के वहां उस कक्ष में होने का संकेत है। हमारे मन में आशा की एक नई किरण जागृत हुई है। अब शीघ्र ही पुत्र कार्तिकेय पुत्र गणेश की सहायता करेगा और फिर ना ही विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव श्री माता ललिता के रथ तक पहुंच सकेगा और ना ही ये असुर। कोई नहीं रोक सकेगा आज हमें। हम अपनी माता और भ्राताओं के वध का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। असुर कहीं मुझे लेकर चौकन्ने तो नहीं हो गए? अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं रुक नहीं सकता। तुम आगे नहीं ले जा सकते। ये विकराल असुर अचानक से कहां से उत्पन्न हो गए? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इस पादा को शीघ्र पार करना होगा। अब सब कुछ पुत्र कार्तिकेय पर ही निर्भर है, इसीलिए अब उसे शीघ्र ही इस पाचक बूटी रस के पात्र को सुरक्षित अवस्था में गणेश तक पहुंचाना ही होगा। ये पात्र मुझे लौटा दो, अन्यथा अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगता है तुम हम सैनिकों का सामना अकेले कर सकोगे? ये भ्रम है तुम्हारा। देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें घेरे खड़ी है और तुम हमें चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो। बाहर ये कैसा कोलाहल है? असुर प्रहरियों ने कहीं कुमार कार्तिकेय को देख तो नहीं लिया? कुमार कार्तिकेय, ये कौन है? प्रभु गणेश जी के ज्येष्ठ भ्राता। मुझे यहाँ अपने अनुज की सहायता करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दो भ्राता पशु रूप लेकर भी इन पहाड़ी पशुओं को पराजित नहीं कर पाए, मुझे ही कुछ करना होगा। Thank you.
हमें पुनः पशु रूप में आकर इनका सामना करना होगा। पशुओं का सामना पशु बनकर नहीं बाघेटक बनकर किया जाता है। इन दोनों पशुओं को हमें खींच पाना इतना सरल नहीं है। तुम कितनी भी शक्ति का क्यों ना प्रयोग कर लो, हमें अपने स्थान से टिका नहीं सकोगे। जब तक कुमार कार्तिकी अपना कार्य संपन्न नहीं कर लेते, हमें भंडासुर को यही उलझा कर रखना होगा। मैं इस पात्र को नष्ट कर दूंगा। यदि इसने इस पात्र को क्षति पहुंचाए तो पाचक बूटी रस बहकर व्यर्थ हो जाएगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप यहाँ पहुँच गए तो अवश्य आपके हाथों में पाचक बूटी रस का पात्र है। वो मुझे दीजिए, मैं उसे प्रभु गणेश जी तक पहुँचा दूंगा। मूषक जी, इसे थामिए। दोस्त मूषक, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। मूषक जी बचिए। मूषक जी संकट में है। चिंता मत कीजिए देव सेनापति, आज कोई संकट इस मूषक को नहीं रोक सकेगा। मैं तुम्हें सदा के लिए रोक के रहूंगा मूषक। मूषक जी बचिए। वो बच गया। शीघ्र ही विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव श्री माता ललिता के रथ तक पहुंच जाएगा। अब पुत्र कार्तिकेय को गणेश तक पहुंचने में और भी शीघ्रता करनी होगी। मूषक जी तो अपना बचाव करते करते थक रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। Down, go!
हाँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा है। मूषक जी, वो पात्र मुझे दीजिए, मैं गणेश जी तक पहुँचा दूंगी। मूषक जी बचिए। बस दुष्ट, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि जैसे मेरी शक्ति कम पड़ती जा रही है। मुझे अपने योद्धा स्वरूप को और शक्ति प्रदान करनी होगी। भैया कार्तिकेय, आप यहाँ आए हैं? अब तो मैं अवश्य अपनी इस कठिनाई से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ गणेश, माँ ने तुम्हारे लिए पाचक बूटी रस भेजा है, उसे शीघ्र ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हें युद्ध भूमि पर पहुँचने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। मुझे अब नंदी जी और श्रृंगी जी की सहायता के लिए जाना होगा। कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, किंतु जब तक कुमार कार्तिकेय संकेत नहीं करेंगे, हम भंडासुर को यहीं उलझा कर रखेंगे। नंदी जी, श्रृंगी जी, आप अब इसे रहने दीजिए। हम सफल हो गए, वो बूटी रस गणेश तक पहुंच चुका है। ये क्या हो रहा है? ये दोनों मेरी ओर क्यों भागे चले आ रहे हैं? सर्वप्रथम मैं अपने स्वरूप को सुरक्षित करूंगा। संदेह उचित था, ये किसी योजना के साथ आए थे और उसमें सफल भी हो गए। ये लीजिए गणेश जी। अवश्य। अंत हो गया। गणेश जी, आप कुशल तो है ना? मूषक जी, आप मेरे सामने से हटिए। प्रभु, आप स्वयं मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, किंतु क्यों प्रभु? और हटिए मूषक जी। और हटिए। हाँ।
अब मैं उठने में समर्थ हूँ। विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव अब श्री माता ललिता के रथ तक भी पहुंच गया। मुझे ये तो ज्ञात था कि भंडासुर अनेक विकारों से ग्रस्त होने के कारण उसे प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग ही करेगा, किंतु मेरे विघ्नकर्ता यंत्र के इतने अनर्थकारी प्रयोग की कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी। अब माता के श्रीरथ की देवियां भी निष्क्रिय हो रही हैं। इसी क्षण यहाँ से जाकर अपने यंत्र के साथ उसके प्रभाव को भी मिटा दूंगा। नहीं प्रभु, प्रभु, नहीं प्रभु। आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं? आपने तो मुझे वचन दिया था प्रभु कि आप यहीं रहेंगे। हाँ भंडासुर, मैंने अपने वचन का मान रखा, किंतु तुम उसकी मर्यादा नहीं निभा सके। विश्वास नहीं होता तो देखो उस अक्षय पात्र को, जिसमें अब एक भी मोदक नहीं बचा। मेरे इस अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं? अब एक क्षण के लिए भी मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव हुआ? इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं भंडासुर। महत्वपूर्ण तो ये है कि अब बस तुम्हें अपने कर्मों के परिणाम को लेकर प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभु, जय देव 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 जय
तुम्हारी रक्त पलट देंगे देवी, तुम हमसे बच के नहीं जा पाओगी। प्रभु चले गए और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ ना कर सका। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। माता, अविघ्न कर्ता यंत्र हमारे संकट को नष्ट करने स्वयं विघ्नहर्ता गणेश यहाँ आ गए हैं। माताएं संसार की समस्त शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, वही आज मेरे विघ्नकर्ता यंत्र के कारण इस ऊर्जाहीन अवस्था में आ गई। मेरे इस दोष के लिए मुझे क्षमा करें माता। विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव माता के निकट पहुंच रहा है। मुझे शीघ्र इस समस्या का अंत करना होगा। पिताजी, मैं नहीं चाहती आपको कोई कष्ट पहुंचे। क्योंकि मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आप कृपा कर माता पराशक्ति और गणेश जी के विरुद्ध युद्ध रोक दीजिए। माता, आप मेरे यंत्र का मान रखने के लिए इसे नष्ट नहीं करेंगी तो मैं भी संसार की परम शक्ति समस्त माताओं की माता की महिमा को कोई आघात नहीं होने दूंगा। इस यंत्र का प्रभाव आप तक पहुंचने के पहले ही इसे मैं नष्ट कर दूंगा। इतने शक्तिशाली प्रहार का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पुनः प्रयास करता हूँ। श्री, आप अपने पुत्री का कहा मान ये युद्ध रोक देंगे ना? प्रभु चले गए तो अब अपनी और अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए मुझे कोई अन्य उपाय करना होगा। पिता,
दशरी आप और विचार मत कीजिए। माता बहुत उदार है, आप युद्ध रोक देंगे तो वो अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। यंत्र को कैसे नष्ट करूं? प्रतिमा का क्षतिग्रस्त होना शुभ संकेत नहीं। पिताश्री सावधान, पिताश्री अपने बचाव के लिए कुछ कीजिए। पिताजी तो अपने विचारों में खोए हैं, मुझे ये कुछ करना होगा। मैं इसे थाम लूंगी किंतु इसे पिताजी पर नहीं गिरने दूंगी। पिताश्री बचिए। मेरी नन्ही पुत्री मेरी रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रही है। चिंता मत करो पुत्री, शीघ्र ही हमारे सभी संकट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं। माता की कृपा से इस यंत्र को अभी नष्ट करूंगा। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी अपने विघ्नहर्ता रूप को धारण कर इस विघ्नकर्ता यंत्र को अवश्य नष्ट कर देंगे। यदि प्रभु ने विघ्नकर्ता यंत्र नष्ट कर दिया तो फिर वो मेरे महाशिव यज्ञ को रोकने का प्रयास करेंगे। मुझे शीघ्रता करनी होगी। ओम चैतन्य रूपाय नमः। Thank you.
गणेश जी स्वयं आपका रचा आपका परम भक्त हूं मैं, तो इतने शीघ्र भयभीत अथवा पराजित कैसे हो सकता हूं मैं? हम तुम्हारे रक्त पलट देंगे देवी, तुम हमसे बच के नहीं जा पाओगी, हम तुम्हें बंदी बनाएंगे। माता, इस अनर्थ को रोकने में मेरी सहायता कीजिए। ये संकट अभी पूर्ण रूप से टला नहीं है। धन्य है माता बाल त्रिपुर सुंदरी, इस यंत्र की ऊर्जा उन तक पहुंच कर भी उन्हें तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाई। ये माता की ही लीला, प्रथम पूज्य गणेश के यंत्र की मर्यादा रखने हेतु सभी देवियों ने उसके प्रभाव को स्वीकार किया, किंतु जो सर्वोच्च शक्ति सभी शक्तियों का स्रोत है, उसे भला कोई यंत्र कैसे प्रभावित कर सकता है? आपने उचित कहा नारायण, वो जो संपूर्ण है उसके लिए अंश को अपने भीतर समाहित करना कठिन कैसे हो सकता है? माता त्रिपुर बाल सुंदरी ने अभी तो इस यंत्र की नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर उसके प्रभाव को रोक दिया है, किंतु जब तक यह यंत्र रहेगा उसकी ऊर्जा श्री माता ललिता के लिए भी संकट उत्पन्न कर सकती है। मुझे शीघ्र कुछ करना चाहिए, किंतु क्या करूं मैं? क्या कारण है कि ये मेरे किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं हो रहा? 8 भिन्न छोर, 8 की संख्या, कहीं इसके विनाश के लिए भी तो महत्वपूर्ण नहीं? माता, विघ्नहर्ता गणेश अपने ही विघ्न करता यंत्र का विनाश करने में असमर्थ क्यों हो रहे हैं? ये अष्टकोणीय यंत्र तो तभी नष्ट होगा जब अष्ट गणेश एक साथ आकर इन पर प्रहार करेंगे। किसी भी भगवान का कोई भी अवतार एक समय पर किसी विशेष कारण से ही प्रकट होते हैं, किंतु अष्ट गणेश एक समय पर एक साथ कैसे आ सकते हैं? विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव मुख्य देवी तक ना भी पहुंच सके, किंतु उन्हें अपने में ही उलझाए रखे, तो भी मैं अपना कार्य संपन्न कर दूंगा। आप सफल हो या ना हो गणेश जी, किंतु आपका ये भक्त भंडासुर अवश्य सफल होगा। माता, जो असंभव है उसे संभव बनाकर मेरे अन्य 7 अवतारों को मेरे साथ मेरे यंत्र का नाश करने की शक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते रम्य कपर्दिनी शैल सुते।
माता की लीला तो अपरंपार है, हमारी समझ के परे। किंतु माता अवश्य इस विकट स्थिति को सुलझाने के लिए ही आगे बढ़ी। मन प्रिय वासिनी हासरते शिरोमणि पुंग हिमलय श्रृंगिनि जालय मध्य गते। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि शासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। पुत्र गणेश, अब तुम पूर्ण रूप से समर्थ हो, तो अब बिना विलंब कर इस यंत्र का नाश कर। ये भंडासुर के अंत का आरंभ है। Yeah!
मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है उसका तो अत्यंत भयंकर दंड प्राप्त होना चाहिए तुम्हें। मेरे उल्कामों की योद्धाओं तैयार हो जाओ। हमारे रहते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते गणेश जी, हम आपको रोक लेंगे। प्रभु गणेश जी ने मेरे उल कामों के योद्धाओं का संहार कर दिया। शिव प्रकट होते ही होंगे। बस थोड़ा और समय चाहिए मुझे। प्रभु को रोकने के लिए उनसे युद्ध भी करना पड़ा तो करूंगा मैं। पिताश्री मेरा काम मानकर युद्ध रोक देंगे, किंतु उन्होंने तो अपने हाथों में अस्त्र धारण कर लिया। बस किसी प्रकार कुछ समय और इनके क्रोध से बच जाऊं, तब मैं अपना महायज्ञ संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु आप पर वार कर आपका अपमान नहीं कर सकता। मैं आपका परम भक्त हूँ प्रभु, सदा आपकी पूजा और सेवा में समर्पित रहने के लिए ही तो आपको सदा निकट रखा था प्रभु। किंतु यदि आप मुझे मेरी भक्ति का दंड देना चाहते हैं तो दे दीजिए प्रभु, इतना तो चलता है। मेरे जन्मदाता हैं आप, तो मेरा अंत करने का भी अधिकार है आपको, भले ही मैं निर्दोष क्यों ना हूं। आप मेरे प्राण लेना चाहते हैं ना, तो लीजिए प्रभु। चलता है का भाव जिसे तुमने समस्त संसार में फैलाया है, यही है तुम्हारा महादोष भंड। तुम वो हो जिसके लिए अपने भगवान को विवश करने का धर्म करना चलता है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को भी कष्ट देना चलता है। अपनी ही बहन को युद्ध विराम के समय रात्रि में आत्मघात करने पर विवश करने जैसा घृणित कार्य चलता है।
किंतु धर्म और अधर्म का भेद भूलकर दूसरों के अहित को अपने हित का आधार बनाने वाले अधर्मियों को रोकने का चलता है कि इस भाव के अंत और पापियों को दंडित करने का समय अब आ गया। मेरे गणेश की दया कीजिए। पर चंद्र सोहे गज मुख सुहाए गौरी पुत्र गणाधीश सर्वेश्वराय। संपूर्ण जग में आप प्रथम पूज्य देवा, संपूर्ण जग में आप प्रथम पूज्य देवा। मेरी बिनती सुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। बालिका रश्मि प्रभा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ। कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बस नहीं करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। मैं सुरक्षित रहूं, मुझे अमृत तो प्राप्त हो, इसके सिवाय क्या इच्छा होगी इसकी? विश्वास है, मांगेगी ये लाभ मुझे होगा। मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगूंगी प्रभु, मैं तो आपकी भक्त हूँ और भगवान तो अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा पूर्ण कर देते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांग कर आपको विवश नहीं करना चाहती। इसलिए मैं तो बस आपकी सेवा करने की इच्छा रखती हूँ। मुझे ज्ञात है अभी तो आपका पेट भरा हुआ है, किंतु मैं भविष्य में आपको अपने हाथों से खीर बना कर खिलाना चाहती हूँ। आप आएंगे ना प्रभु? अवश्य आऊंगा। मेरी नहीं, इसे गणेश जी को खीर खिलाने की चिंता है। धन्यवाद प्रभु। भंडासुर, धर्म परायणता के जिस शिखर पर तुम्हारी पुत्री है वहां तो तुम्हें होना चाहिए था, उसके समान तुम्हें भी ज्ञात होना चाहिए था कि अपने ईश्वर से प्रेम करना, उनकी स्तुति वंदना कर उनकी भक्ति करना और उन्हें प्रसन्न कर उनकी इच्छा से वरदान प्राप्त करना धर्म की मर्यादा के अनुसार उचित है। किंतु जो तुमने किया, अपने ईश्वर को अपनी भक्ति से विवश कर उनकी अनिच्छा से शक्तियाँ प्राप्त करना सर्वथा अनुचित है, अधर्म है। और जो अधर्म से शक्तियाँ प्राप्त करता है वो आरंभ में शक्तिशाली अवश्य हो जाए, किंतु अंत में उसे भयंकर दुर्दशा का सामना अवश्य करना पड़ता है।
भंडासुर ने जो भी किया असफल होने के लिए नहीं किया, कुछ समय की बात और है, फिर आप स्वयं देखेंगे कि दुर्दशा होगी अवश्य, किंतु मेरी नहीं, उस देवी और उसकी देवी सेना की। इस युद्ध में अंतिम विजय तो मेरी ही होगी प्रभु। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। प्रणाम माता। मुझे क्षमा कीजिए माता, मेरे कारण आपकी सेना को इतने विघ्न का सामना करना पड़ा। किंतु पुत्र, तुम्हारे कारण ही तो ये देवी सेना उन विघ्नों से मुक्त हुई है। माता, उसका कारण भी मैं नहीं, आप ही हैं। क्योंकि यदि आपने मेरे सभी 8 अवतारों को एक साथ प्रकट ना किया होता तो मैंने जो भी किया उसकी प्रेरणा भी तो मुझे तुम्हारे यहाँ होने से ही प्राप्त हुई है पुत्र। जिस प्रकार सूर्य के एक किरण से रात्रि का अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार विघ्नहर्ता के होने से निराशा आशा का रूप ले लेती है, बुद्धि संकट को दूर करने का उपाय सुझाती है। इसीलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी महिमा प्रत्येक ब्रह्मांडों में, प्रत्येक कल्प में इसी प्रकार स्थिर रहेगी पुत्र। तुम सदा प्रथम पूज्य के रूप में स्थापित रहोगे और विघ्नहर्ता कहलाओगे। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। माता, आप अमरपुर से आने वाले इस प्रकाश को देखकर चिंतित क्यों हो गई? भंडासुर का प्रभु महाशिव आवाहन यज्ञ संपन्न होने वाला है। अब शीघ्र ही अमरपुर में महाशिव का आगमन होगा और यदि भंडासुर को महाशिव का साथ प्राप्त हो गया तो उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। शिवाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। भोर में प्रभु महादेव का वरदान प्राप्त कर भंडासुर 60 सहस्त्र वर्षों तक अपना राज स्थापित करने में सफल हुआ था। यदि इस बार उसने प्रभु महाशिव का वरदान प्राप्त कर लिया तो अनंत काल तक अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो जाएगा। माता, पूर्व में जब आपकी सेना पर महादेव का रूप धरकर आए असुरों ने आक्रमण किया था तो उनका सत्य जानते हुए भी महादेव के रूप का मान रखने के लिए ही आपकी सेना में से किसी ने भी उन पर अस्त्र नहीं उठाए थे। फिर अब इन असुरों की पराजय कैसे होगी जब स्वयं प्रभु महाशिव उनके साथ होंगे? इस दुष्ट का यज्ञ संपन्न हो गया तो यह धर्म एक निर्मम आखेटक के समान धर्म का खेत करेगा और उसे विलुप्त हो जाने पर विवश कर देगा। माता, भंडासुर की तपस्या संपन्न होने में अब अधिक समय नहीं, शीघ्र ही प्रभु महाशिव के अमरपुर पहुंचने पर ये दुष्ट असुर अजय हो जाएगा, जिसमें अब मात्र प्रभु महाशिव के 2 पग आगे बढ़ने की ही देर है।
जब प्रभु की शक्ति ही थम जाएगी तो वो आगे कैसे बढ़ सकेंगे? ॐ नमः त्रिपुरा सुन्दरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी। प्रभु महाशिव हमारी दृष्टि से ओझल क्यों होने लगे? प्रभु के दिव्य तेज के स्थान पर यहाँ अंधकार क्यों छा गया? यहाँ आने के लिए पग बढ़ाकर भी प्रभु महाशिव यहाँ आए क्यों नहीं? शिव नहीं आए क्योंकि शक्ति नहीं आई और अब महाशिव वहाँ आएंगे भी नहीं। किसी को विवश कर तो मात्र उसके साधन ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आशीर्वाद तो निश्चल भक्ति से प्राप्त होता है।